सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। न जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जो खुद आखिरी सफर के लिए भी औरों का मोहताज है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। मिलना और मिलाना कोशिश है मेरी, हर कोई खुश रहे यह चाहत है मेरी। भले ही मुझे कोई याद करे या ना करे, लेकिन हर अपने को याद करना ये आदत है मेरी। आज का पंचांग 8 सितंबर 2021 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, रात्रि 2:34 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र दोपहर 3:56 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:24 से 1:56 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। मीन राशि 8 सितंबर 2021 दिन बुधवार, आज किसी भी सौदे या बिक्री के फायदे और कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए समय निकालें। बैठकें किसी नई शुरुआत या अनुबंध के कारण बन सकती है। परिवार खुशी और आत्ममूल्य की भावना को बढ़ाता है। आज महत्वपूर्ण लोगों को भी वक्त दें। आज आपके अनुशासित प्रयासों के लिए शानदार पुरस्कार मिलने वाला है। जो भी आपको प्राप्त होगा आप उनके हकदार हैं। आपका इनाम प्रसिद्धि, सार्वजनिक पहचान या प्रियजनों से मिलने वाली प्रशंसा कुछ भी हो सकता है। काम में दुष्टों की राय भी अवश्य लें। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी की शिकायत कभी नहीं करता। पारिवारिक मामलों की वजह से किसी नजदीकी संबंधी के जाने का विचार बन सकता है और मेल मिलाप सबको बहुत ही खुशी और सुकून देगा। आप अपनी कार्य कुशलता के दम पर कई कार्य बेहतर तरीके से पूर्ण कर पाएंगी। कई सारी बातों में प्रगति न देखने की वजह से आपको उदासी महसूस हो सकता है, लेकिन दिन के अंत तक आप अपना उत्साह फिर से प्राप्त करके खुद को प्रेरणा देने की कोशिश करेंगे। खुद के द्वारा हो रही गलतियों का अवलोकन किया जाएगा, लेकिन इस अवलोकन के दौरान आपकी नाराजगी भी बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रहे। काम से संबंधित रखे हुए टारगेट पूरे करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता होगी। कोई व्यक्ति आपके काम में बाधा डालने की कोशिश भी कर सकता है। विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय यदि आप कुछ बातों से असहमत नहीं है तो उन बातों को स्पष्ट स्वरूप से कहना होगा। सेहत में बार बार आ रहे बदलाव की वजह से चिंता महसूस हो सकती है। सावधानियां, इस दौरान अपने बजट और मान सम्मान दोनों का भी ध्यान रखें। कोई जलन की भावना से आपके ऊपर बदनामी या आरोप जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उस पर पूरी तरह सोच विचार अवश्य कर लें। बात करते हैं लव लाइफ की। काम में चल रही दिक्कतों का प्रभाव घर के माहौल पर भी पड़ेगा, परंतु यह आपका दायित्व है कि अपनी वजह से घर पर नकारात्मक वातावरण न उत्पन्न होने दें। सबका ध्यान रखें। आज आप किसी स्पेशल व्यक्ति के रूप रंग व आकर्षण से प्रभावित हो सकते हैं। प्रेम जीवन में बड़े कदम उठाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ साथ ध्यान को केंद्रित होना बेहद जरूरी होता है। अपने अहंकार को छोड़कर इस समय पूरे जोश से रोमांटिक जीवन के इन लम्हों का स्वागत करें। आज के दिन आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि आज अब जो चाहेंगे वो मिलेगा। आपको अपने लवर से तारीफ मिल सकती है या कुछ ऐसा जिसकी चाह आपको लंबे समय से थी। आपकी कोशिशों में आपके प्रियजन भी सहयोग करेंगे। अपने प्रियजनों से टाइट हग भी आपका पुरस्कार हो सकता है। बात करते हैं करियर की। सरल स्वभाव और प्रतिभा आपकी पहचान है, जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। आज आपका व्यावसायिक जीवन सुनहरा है और हर प्रयास से आपको शानदार परिणाम मिलेंगे। खुशी भरे इस दिन में
आपका मिजाज रोमांटिक है और आप किसी खास के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। जीवन में प्रयास के बाद ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। आज आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, जिससे आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। दूसरों की विचारों और बातों को अच्छे से सुने, क्योंकि बातचीत अच्छे व्यवसाय की कुंजी है। याद रखें कि ये सितारे हमारे भाग्य को तय नहीं करते, बल्कि इसे हम खुद तय करते हैं। बात करते हैं सेहत की। एलर्जी और छाती में जलन जैसे दिक्कत महसूस हो सकती है, दवाइयों के बजाय प्राकृतिक चीजों का अधिक सेवन करें। आप सेहत में आ रहे बार बार बदलाव की वजह से भी चिंता महसूस करेंगे। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।